गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में अगला चैप्टर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। तो इसकी आज मैंने एक्सरसाइज करवाई है, वो आप देख लीजिए, बाकी इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला है, विच ऑफ दीज हैज़ दी हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा गैसेस होगा। सेकंड है, विच ऑफ दीज शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सा शो करता है, तो वो होगा कोबाल्ट। प्लास्टिक जो होता है उसमें पता है कि मैग्नेट की तरफ कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं शो करता। उसके बाद है, विच ऑफ दीज विल सेंट सिंक इन वाटर, तो नेल, पानी में कौन डूबेगा, नेल डूब जाएगा। नेल मतलब होता है, नेल कीलों को भी बोलते हैं, जो कील होती है उन्हें भी नेल बोला जाता है, ये नाखून वाले के नेल ना समझिएगा यहाँ पे। विच ऑफ दीज इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आयरन होगा। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ दीज हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स, मतलब हर चीज़ जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बने, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ये अभी हम एक्सप्लेन किया जाएगा जब चैप्टर पढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो ये आपकी हो गई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, मेटल हैव लस्टर हो जाएगा, लस्टर मतलब होता चमक। तो देख, पता ही है कि मेटल में जो होता है अपने खुद की चमक होती है। इसके बाद अगला जो है दिया हुआ है, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अगला है, आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर मेटल। तो ये पता ही है आप लोगों को कि आयरन जो होता है अच्छा कंडक्टर है, और आयरन है क्या, मेटल। तो वही चीज़ बताई गई है कि आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर मेटल। वेनेगर फ्लोट इन वाटर, वेनेगर जो घर में सिरका यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं। ये एसिड भी होता है इन नेचर, और ये वाटर में फ्लोट कर जाता है। हैवियर ऑब्जेक्ट विल श्रिंक इन वाटर, तो ये भी सही बात है। अब इसके बाद बात करते हैं हम ट्रू फॉल्स की। तो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, अ स्टोन हैज़ डेफिनेट शेप एंड नो फिक्स्ड एज, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। रीज़न इसका, क्योंकि गलत इसलिए होगा कि डेफिनेट मतलब होता है निश्चित होना, तो जो सॉलिड होता है, मतलब स्टोन क्या है यहाँ पे, सॉलिड है, और सॉलिड का शेप जो होता है डेफिनेट होता है। एंड नो फिक्स्ड, यहाँ एज लिखा हुआ है इस जगह पे, ये शायद गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा बुक में। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ फिक्स होता है, क्योंकि इसमें शेप जो होता है वो भी डेफिनेट होता है, साइज़ वो भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम वो भी डेफिनेट होता है। मिल्क इज मिस्क्रिबल इन वाटर, ट्रू है। फिर सम मेटल्स आर लस्ट्रस, ये ट्रू होगा कि मेटल जो होते हैं लस्ट्रियस होते हैं। उसके बाद ऑल लिक्विड्स आर नॉन मिस्क्रिबल इन वाटर, ये फॉल्स होगा। फिर हो गया, ऑल सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि सारे सब्सटेंस जो होते हैं हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं हैं। तो ये आपके लिए था आज का वर्क, उम्मीद करते हैं आप कॉपी में कर लेंगे, केमिस्ट्री की कॉपी में करना है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स के मैं अगले लेक्चर में भेज दूंगा। इसके अलावा इस जब ये एक्सरसाइज हो जाएगी तो इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।